हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आज हम मौर्य वंश का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ लिया था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा था। आइए देखते हैं उससे अगला। तो जो लेकिन इस शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। अशोक, ये अशोक महान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन काल है। इनका अन्य नाम देखो, अशोक प्रधान। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक प्रधान पुराण से। अशोक मौर्य की जानकारी मिलती है गिरनार अभिलेख से और प्रियदर्शी। तो ऑप्शन आपका आता है कि प्रियदर्शी के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो कौन सा शासक जाना जाता है? अशोक। किसके पुत्र थे ये? बिंदुसार के। और इनकी माता का नाम था सुभद्रांगिरी। अब शासक बनने से पहले ये बिल्कुल जस्ट पहले उज्जैन के गवर्नर थे, लेकिन उससे पहले दो जगह के गवर्नर और रह चुके थे, अर्थात तक्षशिला और अवंती के। देखो तक्षशिला, इससे पहले तक्षशिला एवं अवंती के गवर्नर, लेकिन जब शासक बने थे तो उससे पहले कहां के गवर्नर थे? उज्जैन के। तो ये ऑप्शन आता कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ का थे वो? उज्जैन के गवर्नर थे। ये आ जाता कि का मतलब शासक बनने से पहले वो कहाँ के गवर्नर थे, तो कहाँ कहाँ के गवर्नर रह चुके थे? तो कहाँ कहाँ के रह चुके? वही सबसे पहले उज्जैन, और इससे पहले कहाँ के थे वो? तक्षशिला एवं अवंती के। शासक बनने के अर्थात शासक बनने के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण कर देते हैं। जब कलिंग पर आक्रमण करते हैं तो कलिंग, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व। तो कलिंग पर जब आक्रमण करते हैं तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं तो अशोक देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो विचलित हो जाते हैं कि मैंने एक राज्य छीनने के दिया या एक राज्य को जीतने के लिए इतने लोगों का नरसंहार करा दिया। तो इस वजह से अशोक क्या करते हैं? युद्ध की नीति छोड़ देते हैं और धर्म अपना लेते हैं। और वह धर्म के, जब धर्म अपना लेते हैं तो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं? अपने पुत्र अर्थात पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजते हैं? वो श्रीलंका भेजते हैं। मतलब महेंद्र एवं संगमित्रा पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए। और ये 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें? 13वें शिलालेख से, जो अशोक ने लगवाए थे। कलिंग के युद्ध के समय नंदराज कलिंग का राजा था। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज कलिंग का राजा था। और ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? ये मिलती है खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से। अब जब गौतम, क्या नाम है, ये अशोक जो है, अशोक का जब हृदय परिवर्तन होता है, ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं, क्योंकि इनके जो दादा थे वो जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी ये इन्होंने इन धर्म परिवर्तन करा, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया युद्ध के बाद। तो बौद्ध धर्म किससे दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये ऑप्शन आता है कि अशोक ने या अशोक मौर्य ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो किससे ली थी? उपगुप्त से। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था 250 या 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, वो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। यदि नहीं देखी होगी तो उसे देख लेना, उसमें चारों बौद्ध सभा के बारे में आपको पता चल जाएगा। यूरोपियन लेखक, जो यूरोप के लेखक हैं, जो अंग्रेज लेखक हैं, जो विदेशी लेखक हैं, तो वो अशोक की तुलना जो है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं, और अशोक ने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया। किसके लिए? जो बौद्ध भिक्षु थे उनके रहने के लिए। फिर लगभग अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके सिंहासन पर इनका पोत्र बैठता, अर्थात पुत्र के स्थान पर पोत्र। तो पोत्र का क्या नाम था भाई? दशरथ।
दशरथ मौर्य, और दशरथ मौर्य शासन करते हैं, ये करते हैं 322 से लेकर और 232 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईसा पूर्व तक। अब अशोक के बाद उनके जो पौत्र शासक बनता था ये क्या करता है भाई, दशरथ ने भी आजीविकों के लिए गया में अर्थात बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं बनवाई। तो ये ऑप्शन आता है नागार्जुन पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए किसने गुफाएं बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए दशरथ ने बनवाई थी। जबकि अगर आ जाए बराबर की पहाड़ियों पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए किसने गुफाएं बनवाई थी, तो वो किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी अर्थात अशोक महान ने। और दशरथ ने भी जैसे ये अशोक का नाम देश प्रियदर्शी था, तो इसने क्या नाम, इसे कौन सा नाम मिला, देवाना प्रिय के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दशरथ मौर्य। अब अचानक से इनकी तबीयत खराब होती है और 224 ईसा पूर्व में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ये दशरथ मौर्य है, दशरथ मौर्य अर्थात बिंदुसार के पौत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के परपौत्र। अब इनके बाद कौन बनते हैं, बृहद्रथ शासक बनते हैं, इनके शासन करते हैं 224 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक है। ये मौर्य वंश के कैसे शासक है, अंतिम शासक है, इंपोर्टेंट है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। या मौर्य वंश का अंत कब हुआ था, 185 ईसा पूर्व में। इनकी हत्या, इनके जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंग, तो पुष्यमित्र सुंग ने धोखे से जब ये सेना का निरीक्षण कर रहे थे राजा दशरथ, तो उनका नाम है बृहद्रथ, तो बृहद्रथ की पीछे से हत्या कर देते हैं, वो तलवार से गर्दन काट देते हैं, जिसकी वजह से इनके वंश की समाप्ति हो जाती है और नया वंश सुंग वंश की स्थापना हो जाती है। अब वो हत्या क्यों करते हैं, वो ये बताया जाता है कि जब अशोक ने कलिंग के युद्ध था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध की नीति उसने छोड़ दी थी और धर्म की नीति अपना ली थी, तो जब कोई शासक युद्ध नहीं करेगा, वो भी उस शासन का उस जमाने में, तो जब युद्ध नहीं करा तो अन्य शासकों के मौका मिल गया, तो जब युद्ध नहीं करा तो वो पावरफुल होते चले और अपना आप छोटे छोटे राज्य है, तो मौर्य वंश से वो स्वतंत्र होते चले गए। अब लास्ट में जब ये बृहद्रथ आते हैं तो बृहद्रथ के सामने मौर्य वंश काफी कमजोर हो जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इनके शासनकाल में अन्य शक्तियां जो दूसरी शक्तियां वो मगध पर आक्रमण करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो इनका सेनापति था अर्थात पुष्यमित्र सुंग जो ब्राह्मण वंश से थे, ब्राह्मण जाति से थे, तो वो खफा थे, तो उन्होंने क्या करा कि अब उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करके नए वंश की स्थापना करी था सुंग वंश की। तो सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग कौन थे, ये कौन थे, बृहद्रथ के सेनापति, और सुंग वंश की स्थापना कब हुई, 185 ईसा पूर्व में। आज के लिए इतना ही, कल इसके एक वीडियो और आएगी कि इसके मौर्य वंश का प्रशासन कैसे था और जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए हैं उनके बारे में, कहां शिलालेख लिखवाए हैं, कौन से शिलालेख पर क्या लिखा गया है। ठीक है, जय हिंद, थैंक्स।